यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा किसी भी रियलमी डिवाइसेस में कस्टम रॉम को कैसे फ्लैश करना है उसके बारे में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का अभी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा के ऑल कर दो, ताकि जैसे ही मैं इन फ्यूचर कोई ऐसा वीडियो अपलोड करूं आपके फोन में जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाकर उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे ऊपर उनका लिंक मिल जाएगा। अब कस्टम रॉम फ्लैश करने से पहले आपके फोन का जो बूटलोडर है वो अनलॉक होना चाहिए और आपके फोन में कस्टम TWRP या फिर पीच ब्लैक या फिर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता बूटलोडर को कैसे अनलॉक करते हैं और अपने फोन में कस्टम रिकवरी को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना के ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो जाके आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। अब सक्सेसफुली बूटलोडर अनलॉक एंड कस्टम रिकवरी फ्लैश करने के बाद में आपको कोई से भी रॉम जो आपके फोन के लिए अवेलेबल है वो डाउनलोड करना है। अब कौन से फोन के लिए कौन सा रॉम अवेलेबल है वो आपको अपने डिवाइस के टेलीग्राम ग्रुप में जाके पता चलेगा, तो सिंपली टेलीग्राम में अपने डिवाइस का नाम सर्च करके आप अपने डिवाइस के ग्रुप से कस्टम रॉम को डाउनलोड कर सकते हो। अब जो भी रॉम आपने डाउनलोड किया ना उसको सिंपली अपने SD कार्ड में ट्रांसफर कर लो और अपने फोन को कस्टम रिकवरी के ऊपर बूट कर लो। अब जितने भी लेटेस्ट फोन्स आ रहे हैं ना उन सब में बेसिकली हमें डायनेमिक पार्टीशन का जो सपोर्ट है वो देखने को मिल जाता है, तो एक बार आप अपने फोन में ट्रेबल इन्फो ऐप को इंस्टॉल करके चेक कर लेना कि आपके फोन में डायनेमिक पार्टीशन का सपोर्ट है कि नहीं है, क्योंकि अगर आपके फोन में डायनेमिक पार्टीशन का सपोर्ट है तो आपके लिए जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है, और अगर आपके फोन में डायनेमिक पार्टीशन का सपोर्ट नहीं है तो आपके लिए जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप अपने डिवाइस में उस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके फिर चेक कर सकते हो कि आपके फोन में डायनेमिक पार्टीशन का सपोर्ट है कि नहीं है।
तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस टाइप से आप अपने रियलमी डिवाइस में कस्टम रॉम को फ्लैश कर सकते हो। और साथ में मैं आपको बता दूं, कभी कभी जो रॉम डेवलपर्स है ना, वो अपने रॉम पब्लिश करने वाले पोस्ट में बताते हैं कि जो वेंडर है उसको वाइप मत करो, मतलब जो वेंडर पार्टीशन है उसको वाइप मत करो, नॉर्मली जो बाकी के पार्टीशन है उनको वाइप करके आप सिंपल सा नॉर्मली जो रॉम है उसको फ्लैश कर दो। और कभी कभी ये भी बताते हैं कि वेंडर को आप वाइप कर दो, उसके बाद में अलग से वेंडर फ्लैश करो, देन उसके बाद में जो अपना मेन रॉम है वो फ्लैश करो। तो ये जो है ना, ये सब जो चीजें, ये आपको अपने डिवाइस के ग्रुप से पता करना है, जो कि आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, टेलीग्राम पे जाना, फिर अपने डिवाइस का नाम सर्च करना, उसके बाद में आपको अपना मतलब आपको अपने डिवाइस का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो देखने को मिल जाएगा। तो वहां पे जाके एक बार इंस्ट्रक्शन, मतलब जो इंस्ट्रक्शन है, जो भी होता है इंस्ट्रक्शन वगैरह, वो ना एक बार फॉलो कर लेना, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि वेंडर वाइप करना है कि नहीं करना है, या फिर वेंडर वाइप करके अलग से उसको फ्लैश करना है कि नहीं करना है, ये सब जो है ना, ये आपको अपने डिवाइस के ग्रुप में मिल जाएगा। लेकिन बेसिक जो रॉम फ्लैशिंग गाइड था, मतलब किस टाइप से आपको अपने फोन में रॉम फ्लैश करना है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहो, हमेशा स्मार्ट रहिए।